फरीदकोट जिले के पिंड बरगाड़ी ते इतिहासिक गुरद्वारा दसवें पातशाही दे बाहर मिले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पत्रियां नूं लैके सिख संगत च रोस लगातार वध रहा है। तीसरे दिन पिंड बहबल कला च पुलिस फायरिंग दौरान दो सिंघां दी मौत भी हो गई अते कोटकपुरा च सिख धार्मिक आगुआं दी गिरफ्तारी तो बाद सिखां ते पुलिस दरमियान जबरदस्त झड़प हो गई। फरीदकोट के बारगाड़ी के गुरद्वारा साहब जी बीते कुछ दिन पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी तो बाद पूरे खेत्र च तनाव का माहौल बनया होया, जिसके चलद कोटकपुरा च घटना खिलाफ रोस मुजहरा कर रही सिख संगत और पुलिस दरमियान सवेर वेले हिंसक झड़प हो गई। सिख भाईचारे के लोग गंगानगर कोटकपुरा मार्ग में जाम करके शांतमई विरोध जता रहे सन। हिंसक झड़प उस वेले हुई जदों पुलिस ने सवेर वेले सिखां दे धार्मिक नेतावां नूं गिरफ्तार कर लिया। सवेर लगभग 6 बजे तो बाद शांतमई रोस प्रदर्शन कर रही सिख संगत नूं जदों पुलिस खिंडाउण लगी तां भीड़ भड़क गई, जिस तों बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिता अते गुस्से च लोकां ने पुलिस दे कई वाहनां दे नाल नाल निजी वाहनां नूं भी अग दे हवाले कर दिता। बेकाबू हालत च वाटर कैनन वाली गड्डी नूं भी लोकां ने भजा दिता, जिस तों बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की, हंझू गैस के गोले छड़े अते लोकां ते पानी दीआं बुछाड़ां सुट्टियां। झड़प दौरान जिथे कई पुलिस मुलाजमान नूं सट्टा लगियां, उथे ही सिख भाईचारे दे लोक भी जख्मी होए। फिलहाल हालातां नूं देखदिआं लगदा है कि मामला आने वाले दिनां च होर पेचीदा बनेगा अते मुश्किलां च घिरी पंजाब सरकार लई नवीं मुसीबत पैदा हो सकती है। कोटकपुरा तों प्रितपाल सिंह, फ्री मीडिया।